नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का सवाल है क्वेश्चन इज टू सेटेलाइट ऑफ अर्थ एस वन एंड एस टू आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट द मास ऑफ एस वन इज फोर टाइम्स द मास ऑफ एस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पहला स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सेटेलाइट इन द टू केसेज आर इक्वल सेकेंड ऑप्शन है कि एस वन एंड एस टू आर मूविंग विद द सेम स्पीड थर्ड ऑप्शन है कानीटिक एनर्जी ऑफ द टू सेटेलाइट आर इक्वल चौथा ऑप्शन है द टाइम पीरियड ऑफ एस वन इज फोर टाइम्स डेट ऑफ एस टू चारों ऑप्शन हम एक बार एग्जामिन करते हैं सो so, सिंपल सवाल uh, सवाल ये है कि ये आपका दो सेटेलाइट हैं या आपका लेट्स अर्थ है दो सेटेलाइट हैं आपके दोनों सेम रेडियस में घूम रहे एक का मास फोर एम है और एक का मास एम है सो so, सेटेलाइट S1, S2 मास ऑफ S1 वन इज़ फोर टाइम्स राइट सो ये आपका S1 वन है या आपका S2 टू है दोनों का रेडियस आर है हमें अब कम इसमें कमेंट करना है पोटेंशियल एनर्जी पे स्पीड uh, पे टाइम पीरियड पे और कानीटिक एनर्जी में तो एक ही सवाल में हमें uh, चार चीज़ें उसने कंपेयर करवा ली है सो so इंटरेस्टिंग सवाल है तो सबसे पहले तो देखें पोटेंशियल एनर्जी का इसमें कंपेयर करते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ये काम करते हैं पहले सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं कानटिक एनर्जी uh, का जो फॉर्मूला होएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर अगर हम इसको कानेटिक uh, एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं जी एम एम बाय टू आर और अपना जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होएगा टू अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम यह आपका टाइम पीरियड हो गया और ऑर्बिटल स्पीड जो होती है जिस स्पीड से आपका पार्टिकल uh, घूम रहा है ऑर्बिटल स्पीड वी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम डिवाइडिड बाई आर वेयर आर इज़ द डिस्टेंस जिसपे आपका सेटेलाइट मूव uh, कर रहा है नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर हम ऑप्शन नंबर ए कंपेयर करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सेटेलाइट दोनों इक्वल होएंगी अब पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है मास ऑफ सेटेलाइट के ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल नहीं होएंगी इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी आपकी इसकी ज़्यादा होएगी एस वन की फोर टाइम ज़्यादा होएगी सो हेंस आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है ऑप्शन बी कहता है सेटेलाइट एस वन एंड एस टू मूविंग विथ ट्रेन स्पीड स्पीड क्योंकि आपकी मास के इंडिपेंडेंट है uh, आपका जो सेटेलाइट का मास है उसके इंडिपेंडेंट है इसलिए आपकी ये दोनों की स्पीड सेम होएगी सो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर सी और डी को भी एक बार इवेलुएट uh, कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी कहता है कान्टिक एनर्जी और टू सेटेलाइट्स विल बी इक्वल नाउ कानेटिक एनर्जी फिर अगर नोटिस करेंगे तो मास के ऊपर डिपेंड करता है तो कानीटिक एनर्जी एस की ज़्यादा होएगी ठीक है मा उसकी वेलोसिटी सेम है स्पीड सेम है लेकिन मास ज़्यादा है तो उसकी कान्टिक एनर्जी ज़्यादा होगी थर्ड फोर्थ ऑप्शन है तो इसलिए हम कह सकते हैं थर्ड भी सही नहीं है फोर्थ ऑप्शन है टाइम पीरियड ऑफ एस वन विल बी फोर टाइम्स अगर हम टाइम पीरियड को देखेंगे तो टाइम पीरियड अगेन इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सेटेलाइट के तो टाइम पीरियड भी दोनों का सेम होएगा सो so, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर